जनता ने उन लोगों को जिनके दिल का अनुमान था कि मौका मिलता है तो भारत के संविधान को हटा दे, उन लोगों को मजबूर कर दिया संविधान के सामने सजदा करने का, माथा टेकने का। संविधान का प्रत्येक बड़ी घटना हो जो अपन सरकार न चलावान न हो पाई। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जखनिया विकास खंड में नव निर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। साथ ही क्षेत्र के तमाम सम्मानित जन सहित सदर विधायक जयकिशन साहू और तमाम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा महोदय ने। आप लोगों से भी अनुरोध है, जो दूर पीछे बैठे हुए हैं आगे कुर्सियां खानी है, थोड़ी से पीछे की कुर्सी आगे आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आप सबका मूड होगा तो दो चार मिनट हम भी बोलेंगे, अन्यथा हम समझ रहे हैं कि 8 वर्ष का है, आपसे भी ज्यादा हो गया, आप सभी थक चुके हैं और करीब करीब सारी बातें मन से वक्ताओं के जुबान से आप सुन ले चुके। आज का ये कार्यक्रम आभार प्रकट करने के लिए, आप सबका धन्यवाद देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, बधाई स्वीकार करने और बधाई देकर इस विजय उत्सव को एक सामूहिक सबकी खुशी का दिन बनाने के उद्देश्य से जखनिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस डॉक्टर बीआर अम्बेडकर विद्यालय के प्रांगण में माननीय आमिर अली और इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष हमारे तीनों सादात जखनिया और मनिहारी के विकास खंड क्षेत्र के अध्यक्षगण और सबके इंचार्ज के रूप में डॉक्टर नंदू यादव और सभी घटक दलों के हमारे साथी जो इंडिया गठबंधन दल है, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी माले गुट, जनाधिकार पार्टी, आम आदमी पार्टी और सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत देर से 6 बजे से यहां वक्ताओं का बोलने का सिलसिला चल रहा है। आज की तिथि में अगर संसार में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है समय, और इतना लंबा 2-2 घंटा को मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कहीं आ जाए तो सुनने के लिए जनता बैठती नहीं है, वो आधे मीटिंग होने के बाद चलती फिरती नजर आती है। हम स्वयं भी अपने अंदर इस बदलते हुई परिस्थितियों को और हमारे कार्यकर्ता भी इस बात को अध्ययन करें कि हर कार्यक्रम को सम्मेलन न बनाया जाए। एक सम्मेलन होता है पार्टी का जो दिन भर चला करता है, 2 दिन का भी होता है और 3 दिन का भी होता है, लेकिन हर कार्यक्रम सम्मेलन नहीं है। उस कार्यक्रम में तय करिए कि कई लोग विचार रखेंगे, उसी में सबके विचार प्रमाणित हो जाएंगे। हर व्यक्ति को अगर विचार रखने का, तब तो इतनी बड़ी फौज है समाजवादी एक्सप्रेस में कि आधे ट्रेन में चढ़ पाएंगे और आधे वेटिंग लिस्ट में लटके रह जाएंगे। और आज भी यही युवा मंच पर बैठे हुए हैं, सब बोल सकते हैं, आप भी बैठे हुए, आगे बैठे हुए सारे नेता सक्षम है, चुनाव तो आप ही ले रहा है, जनता ले रहा है, पार्टी के नेता चाहे मंच पर बैठा हो चाहे सामने बैठा हो या कुछ ऐसे हैं जो ना आ सके। इस चुनाव में जो चमत्कार हुआ वो यही चमत्कार हुआ, मैं 50 साल के अपने जीवन के अनुभव में 11 चुनाव तो स्वयं लड़ा है और बहुत से चुनाव मैंने लड़ते हुए लोगों को देखा है, जनता को पहली बार लड़ते हुए देखा कि चुनाव में जनता लड़ रही थी, कार्यकर्ता और नेता श्रेय लेने का हम भी श्रेय लेंगे, हम जीते हैं तो क्यों नहीं लेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि पानी अपने से नीचे से निकल रहा है। हमको तो फिर उसे सजा करके, तैयारी बढ़ा करके
कैसे एक ही जगह पानी इकट्ठा न हो जाए, पूरी क्यारी में फैल जाए, पूरे खेत में सिंचाई हो जाए, इसी तरह को प्रबंध करना। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। इस चुनाव में गाजीपुर नहीं, जखनिया नहीं, पूरे देश की जनता ने साबित कर दिया उन तानाशाहों की उन चुनौतियों को जनता ने स्वीकार करके मजबूर कर दिया। आज जनता ने उन लोगों को जिनके दिल का अभिमान था कि मौका मिलता है तो भारत के संविधान को हटा के उन लोगों को मजबूर कर दिया संविधान के सामने सजदा करने का, माथा टेकने का और सजदा करने का प्रयास। ये जनता की ताकत थी। अगर 272 भी होती तो शायद संविधान को सजदा न किया गया होता, क्योंकि अपने बल से सरकार बन जाती। अब तो 272 भी नहीं है, सामान्य बहुमत भी नहीं है, 240 और दो तिहाई बहुमत होती तब अरमान पार्टी बदल देंगे जो 400 पार का नारा दिया गया। अब तो समीक्षा और ये खंडन किया जा रहा है, हम संविधान नहीं बदलना चाहते। अब कहा कहूंगा तू जब 240 से बना गया भैया, उनका 390 से ऊपर देता था ना। जनता लोकतंत्र में सबसे महान है और जनता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब संविधान आ रही तो वोट देने का अधिकार उठा रही, तो जब बाबा साहब का संविधान देश में आ रही तो देश में गुलाम हो गई। हमारा पुरखा आपका पुरखा जो कुर्बानी दे रहे हो वो कुर्बानी बेहतर चली जाएगी, इसलिए जनता खुद निर्णय ले रहे ऐसे वोट पड़ा है। हमें तो याद है, हम 2004 में सपा बसपा के गठबंधन से लड़े थे, काफी 1,15,000 वोट थोड़ी मिला था, 1,15,000 वोट जब खनिया विधानसभा ने लिया उस क्षेत्र से दिया है जहां प्रत्याशी था, उस क्षेत्र से दिया है जहां दरोगा चुनाव लड़ रहे थे, तहसीलदार चुनाव लड़ रहे थे, थानेदार चुनाव लड़ रहा था, लेखपालों से लेकर हमारे प्रधानों को धमकाया जा रहा था, ब्लॉक प्रमुखों को मजबूर किया जा रहा, जनप्रतिनिधियों को, विद्यालय चलाने वाले प्रबंधकों को, प्रिंसिपलों को, तो आज मान्यता वाले हो गई, तो आज शंकरवा कैंसिल हो जाए। ये बेईमान सत्ता की ताकत के नशे में थे, पैसा बांटे, दारू बांटे, सारी बांटे, बाकी आने वाले बाकी बताओ। उसके बाद लोकतंत्र में इस महान जनता ने फैसला ले लिया, बड़ा घमंड था, बड़ा गुरू था कि हम जनता को धोखा दे देंगे, हम अपने भौकाल के बल पर जनता के अरमानों को कुचल देंगे, इसने वोट नहीं दिया। इस बार ये चुनाव था कि एक सैलाब था, एक सैलाब था जिसने बड़े बड़े तूफान की चट्टानों को बहा दिया, किसने वोट नहीं दिया? समाजवादियों ने तो अपना जीवन मरण का चुनाव बना दिया, लेकिन समाजवादियों के साथ साथ ओबीसी के हर जाति के लोगों ने वोट दिया, कुशवाहों ने वोट नहीं दिया, कि राजभरों ने वोट नहीं दिया। क्या हमारा मंच की अध्यक्षता करने वाला ये शिवपुत्र चौहान हमारी इनसे पूछ रहे थे, चौहानों ने वोट नहीं दिया, किसने वोट नहीं दिया? लोहार ने, कुहार ने, गोण ने, खरवार ने, नाई ने, धोबी ने, सबने वोट दिया। और चमत्कार तो तब हो गया जब बहुजन समाज पार्टी का आधार हो, जिस आधार को हमारे चमार भाई उन्होंने भी तमाम बंधनों को तोड़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए सांकी निशान का पटन बना करके एक इतिहास बना दिया। यही तो खाते थे हमारे मीडिया के भाई कि वो मेरे तक गठबंधन रहे, अब जान सारी जीता ब्रह्मा का गठबंधन रहे, ये बड़ा कार हो पूरा चुनाव पूछा कर रहे थे हमारा से कि तू तो बसपा के सिरमूर से जीता कर रहा, ये भैया ये कहीं खर्चों दे बसपा के मगर तो के कहीं खर्च वर्ष हो रहा है भैया, हम बसपा का सिरमूर से जीता नहीं तो के कहीं खर्च वर्ष, बोला दवाई बता दी कौन दवाई लगे,
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। हो सकता है बहुत से लोग अभी नहीं समझ पाए, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को मजबूर कर दिया गया था। छटपटा रहे थे लोग, लेकिन मजबूर थे। तो जब इतने मजबूर हो जाइएगा कि बाबा साहब के संविधान पर भी संकट आए, तब आप जोखिम उठाने के लिए मैदान में नहीं उतरिएगा, तो ये समाज तब तक आक्रोश होता रहेगा। वो किनारा करेगा, रास्ता खोलेगा और उस रास्ते पर चल करके जहां भी उसे सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वहां वो समाज खड़ा हो जाएगा। आज हो सकता है हमारे साथी कई लोग बोल रहे हैं कि 2027 के लिए संकल्प लेना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा 27 का संकल्प, तो 27 में संकल्प आप जिस मजबूती के साथ खड़े हो, इस मजबूती को बनाए रखिए। बुरा भाग को जनता ने कर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, 403 सीटों में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है और सरकार भारतीय जनता पार्टी। ये 2022 का चुनाव का है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ, उन्हीं 403 विधानसभा सीटों पर जो जनता ने वोट दिया, उसने क्या फैसला दिया? उस वोट में आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, वो मात्र 33 सीटें पाकर के अल्पमत में है और समाजवादी पार्टी अपने दम पर सत्ताधारी दल से ज्यादा 37 सीटें हासिल करके आज उत्तर प्रदेश में बहुमत में। अगर उनके सहयोगी दलों की गिनती करोगे तो एक सीट अनुप्रिया पटेल की और दो सीट जयंत चौधरी की, ये तीन सीट जोड़ दीजिए 33 में 36 उनकी हो गई। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सीट जोड़ी जाए तो 37 में कांग्रेस पार्टी की 6 सीट जोड़ दीजिए, आपकी सीट 45 हो गई। 403 विधानसभा क्षेत्र का जब नक्शा खोला जा रहा, ये जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, फैसला लोकसभा के लिए भी हुआ, लेकिन जैसे गाजीपुर लोकसभा में 5 विधानसभा है, आपका जखनिया विधानसभा, सैदपुर विधानसभा, गाजीपुर सदर विधानसभा, दमनिया विधानसभा और गंगीपुर विधानसभा, 5 विधानसभा आप जीत रहे। बलिया लोकसभा है, आप जीते हो, 5 विधानसभा है, लेकिन उसमें बैरिया विधानसभा, त्रिपुणा विधानसभा, जहूराबाद विधानसभा, मोहम्मदाबाद विधानसभा, समाजवादी पार्टी 4 विधानसभा जीती थी, 1 विधानसभा मात्र बलिया सदर में बीजेपी की हुई। उसी तरह से आप आइए घोसी, 5 विधानसभा, 5 की 5 समाजवादी पार्टी जीत गई। उसी तरह आ जाइए लालगंज, 5 सीटें आप जीत गए, आजमगढ़ 5 सीटें आप जीत गए, जौनपुर 5, ऐसे गिनती जो हो रही है पूरे प्रदेश के पैमाने पर 250 सीट, 400 में 250 सीट भाजपा आ रही है। तो आज तो वो सत्ता में बहुत हो चुकी है, अब लड़ाई अंदर चल रही है कि यह हार किसकी वजह से हुई, मंथन हो रहा। आरएसएस के प्रमुख जी भी निकल गए मंथन करने के लिए, तो मंथन चल रहा है। कैसे किया जाए? आखिर भगवान के नाम पर भी वोट मांगा गया, मांगा गया कि नहीं मांगा गया, बोलिए। मंदिर के नाम पर वोट मांगा, भगवान के नाम पर वोट मांगा, काशी और मथुरा के नाम पर भी वोट मांगा, लेकिन जनता ने नफरत का बीज बोने वालों को खारिज कर दिया। अपना मूड, अपना रुझान जनता का आज हुआ है। मैं एक निवेदन करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के साथियों की बड़ी जिम्मेदारी है, नेताओं की और जिम्मेदारी बढ़ गई। 27 की चुनौती की बात अगर करते हो तो अपना दिल बड़ा करना होगा। इंडिया गठबंधन बना, पीडीए का सूत्र या पीडीए का मंत्र जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया, उससे बिल्कुल साफ है। आप सीधे 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 बात करो,
समाज के कमजोर और गरीब और मेहनतकश लोगों के बीच में माननीय अखिलेश यादव ने माननीय कांशीराम के ही तो फार्मूले पर कहा है कि अगर हमारी ताकत होगी, हम सत्ता में होंगे तो हम जातिगत गणना करा देंगे। अगर जातिगत गणना करा देंगे तो जिस जाति की जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सा दे देंगे। बोले ये न्याय संगत है कि नहीं? जो पिछड़ी जातियों में दलित भाइयों में उनके समूहों को इकट्ठा करके जाति के नाम पर जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, इनसे पूछो, इनसे कहो कि आप अपने नेताओं से पूछो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए हो तो भारतीय जनता पार्टी से ऐलान कराओ कि अगर उनकी सत्ता रही तो वो जातिगत जनगणना करा देंगे और जाति के हिसाब से हिस्सा ले देंगे। कभी वो तैयार नहीं होंगे। ये हौसला, ये दिल और ये हिम्मत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिखाई और इस हिम्मत का साथ दिया है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने और दोनों नौजवानों ने मिलकर यह तय कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोट पोट के बैसाखी के सहारे से दिल्ली में बन गई, लेकिन देखो क्या हो रहा, आज कैदी हो गया, 543 संसद के सदस्य चुने गए, एक भी संसद सदस्य को सांसद पद की शपथ नहीं दिलाई। और हड़बड़ी और जल्दबाजी यह है कि प्रधानमंत्री अपनी शपथ ले लिए, मंत्रिपरिषद का गठन करके मंत्रियों को शपथ दिला दी गई, लेकिन संविधान के अनुसार लोकसभा के अंदर खुद प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा के सदस्य की अभी तक सदस्यता नहीं। अजीब बात है। एक बार बताया गया कि 13 तारीख को आप लोग आ जाइए, शपथ होना है, 13-14 में शपथ होगी, 15 को चुना जाएगा लोकसभा का स्पीकर। फिर कहा गया नहीं, डेट कैसी होगी? अच्छा तो अब कब? तो 18 तारीख को आइए, 18 और 19 जून को शपथ दिलाई जाएगी और 20 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। कहा गया ठीक है। फिर खबर आ गई 18, 19, 20 भी कैंसिल, आपका होगा भाई। तो 24 और 25 तारीख को आप लोग आइए, 24-25 में शपथ दिलाई जाएगी और 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा। कहीं न कहीं पानी भर रहा था ना, यहां तो छोटा छोटा की सरकार बन गई, सरकार बन गई तो शपथ भी बाबा अवैध सदन में। इस बार ऐसा मुठभेड़ होगा सदन के अंदर साथियों के एक इतिहास बनेगा। उनकी संख्या अपने दम पर 240 और आपकी संख्या अपने दम पर इंडिया गठबंधन की 238, एक दो तीन का फर्क है। तब बोला मुठभेड़ हो जाए कि ना हो जाए? आए तो बैसाखी लगे हुए वहां, नीतीश कुमार जी बैसाखी, ये कट्टर समाजवादी है, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और लोहिया कांजाई है, वो जो चंद्रबाबू नायडू वाली बैसाखी है उसका नीचे से वाशर बहुत चिकना वाशर है, वो पक्का बांधों की है। कहां से इंटरचेंज पंक्तियों के साथ में नर बानर संघर्ष भय कैसे, अब ये कब तक चलेगा? इतनी सा कर जाती है तो तब मुठभेड़ धर्म में इंडिया गठबंधन इन लोगों से उतरा, जनता बना के ले लिया, इस संविधान का प्रत्येक बनी हटेगा लोग, इन लोग अपन सरकार ना चलाओगे, ना हो भाई जो किसानों के साथ हुई, जो अत्याचार लगातार देश की जनता के साथ होता रहा, जो देश की संपदाएं बेची जाती रही, दुर्भाग्य का विषय है देश की जनता को धोखा दिया जाता है कि हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हमको शर्म आती है बताते हुए कि भारत जैसे विशाल देश में अपनी एक एयरलाइंस रही, एक एयरलाइंस रही, श्रीलंका है इतना बड़ा निचवा लटकल रहेगा, श्रीलंका के पास अपनी एयरलाइंस है, बांग्लादेश के पास अपनी एयरलाइंस है,
जिस बांग्लादेश का जन्मदाता भारत है, 1971 में मुक्ति वाहिनी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब से बांग्लादेश का वजूद हो गया। उस बांग्लादेश में अपनी एयरलाइंस है, पाकिस्तान में अपनी एयरलाइंस है, हम विश्व गुरु हैं, हमने के पास एयरलाइंस नहीं थे। का बहना रहता रहल सरकार भरी तब बेच दे रहे हैं। किसको बेचा? टाटा को बेच दिया। आपने इस देश का कबाड़ निकाल दिया। अब देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है साथियों। अभी तो निशाना 27 को बनाइए। मैं पूरे यकीन से कहना चाहता हूं 27 को प्रदेश पे कब्जा करो, 27 में दिल्ली की सरकार गिर जाएगी, 28 नहीं रह पाएगी। अभी तो जोर फोड़ के चलेगी, हो सकता है इस बीच में भी बैसाखी से लीक हो जाए। नीचे संगमरमर का पत्थर का फर्श है, कब सिली कर जाए, होना है परम बाबा के मना दिया मनैले रही वो ये सरकार के लड्डू चढ़ा दे। तो साथियों ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से हाथ जोड़ने की है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा है आप समझदार हो, ये जीत आपकी जीत है, लेकिन इस जीत में आपकी सहायता करने के लिए जो लोग मददगार हुए उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनकी भी कदर होनी चाहिए, उनका भी इज्जत होना चाहिए। जिन्होंने आपके मांगे बगैर भी दिया उनकी और ज्यादा इज्जत को कदर होना चाहिए। खासतौर से गरीब समाज के लोगों से मैं सीधा इस मंच से संदेश और पैगाम देना चाहता हूं कि आपकी फरियाद प्राथमिकता पर सुनी जाएगी। जो लोग भटके दिया गए, जो लोग गुमराह ला गए, जो लोग ये फैसला नहीं ले सकेंगे चुनाव तक कि हमको क्या करना है और गुमराही में रहे, उनको भी मैं आवाज देता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि उनको समझाने की कोशिश कीजिए। जब लोकसभा में एक भी प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा बहुजन समाज पार्टी का, जब विधानसभा में एक भी प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजनों के हित की रक्षा के सवाल पर कैसे रहेगी बहुजन समाज पार्टी? उनके हितों की रक्षा करने का पूरा दायित्व माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने हाथों में लिया है। मैं अखिलेश जी के साथ कहता हूं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको सम्मान मिलेंगे और आपके हितों की रक्षा के लिए खड़े भी रहेंगे। कल अगर सरकार बनी तो आपको बराबर की हिस्सेदारी और साझेदारी भी देंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए तमाम उन साथियों का जो बैकवर्ड क्लास के, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के या समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में भी बहुत बड़ी संख्या है, उनकी भी जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अंधभक्त हैं उनको भूल जाओ, लेकिन जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, जो न्यायप्रिय विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की भी कदर होनी चाहिए जिन्होंने इस लड़ाई में आपके साथ चल करके जो कदम आपका साथ देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से सभी साथियों को बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाई।